दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। अब पुण्यात्मा आपको फिर दिखाते हैं कि जो संत ये मानता होती है उन संतों की जो सच्ची बोल देते हैं। इसने 1971 में ये कहा था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। ये आपके पास पुस्तकों में विद्यमान है पहले से ही, कोई यूं नहीं कि इसको देख कर ईब बताने लग गए हों। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। उसके विषय में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 तक, और 40 साल के बाद आज उनकी दिव्य दृष्टि कतिबलोक होगी। 1971 में इन्होंने क्या भविष्यवाणी की आपके रूबरू कराते हैं। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी, इन्हीं की छापी हुई है, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग दो, हरिओम मंदिर का लटकडवा दिया इसने, करोड़ों रुपये अरबों रुपये लगा दिए इसमें, बताइए के काम आओगा इसके मेरे पास है। ये है ये महाराज, इनके हाथ गल चुके हैं अभी, पैरों में भी डिफेक्ट हो गया बेचारे के, क्योंकि सत्साधना मिली नहीं, पुण्यात्मा थे, भगवान के लिए निकले थे। ये कहाँ से प्रकाशक कौन है, दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा इसके 50 पृष्ठ आपको दिखाते हैं, ये 50 पृष्ठ है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने अपनी स्टेटमेंट दी है इस पत्रिका में, या छपी थी उसमें से संग्रह करके पुस्तक बनवाई है। 7 सितंबर 1971 को ये क्या कह रहे हैं कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, तो 7 सितंबर 1971 को ये दास रामपाल दास 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है यहाँ से देखिएगा, ये है ये, यहाँ से हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने मतलब की। इसके अंदर जो लिखा है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, कब, 7 सितंबर 1971 को, और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है, समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को। अब 59 पृष्ठ पर देखो, अगस्त 1971 को इसने क्या कहा था कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा, उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपुण्यात्माओं, यदि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही होती जो 1971 में करे थी, तो आज ये बता देते कि वो 20 वर्ष वाला व्यक्ति बरवाला में बैठा है, जाओ बच्चों नाम ले लो, कल्याण करवा लो, और मैं भी आ रहा हूँ। और पुण्यात्माओं, इसके हित में है यदि ये महापुरुष सच्चा है और इसने अपनी इस स्टेटमेंट की याद आ जावा 1971 वाले की,
तो ये कम से कम अब इसकी दिव दृष्टि तो काम कर नहीं रही, कम से कम उसके ऊपर पुनर्विचार करके अपना पाप मुक्त हो सकता है। सब अनुयायियों को कह दे के भी जाओ वहां से दीक्षा ले लो, और इसने भी चाहिए, अब इसके पल्ले कुछ नहीं है, शिवदयाल जी भूत बन गए, इनकी क्या स्थिति होगी। तो दास का उद्देश्य इस दास को अपना दास समझ कर आ जाए। सभी महापुरुष संत जितने हैं ये भगवान के लिए ही तो घर छोड़ा इन्होंने, परमात्मा के पाने के लिए ही इन्होंने ट्राई की, फिर इनको गुरुपद दे दिया, लेकिन वो नकली माल था सारा। तो इसमें मान बढ़ाई की बात नहीं होती, और संत प्रेस्टेज इशु नहीं बनाया करते, परमात्मा को इशू बनाया जाता है, आत्म कल्याण इशू होना चाहिए। और आत्म कल्याण इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास वो साधन नहीं जिसका हो सके।